हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा मौर्या एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ हैं मीनू पराते, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट जिन्होंने 12th में 90% लाए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मीनू 91% के लिए। थैंक यू सो मच। कैसे हो मीनू? मैं एकदम ठीक हूँ। तो मीनू अपने आप बारे में कुछ बताओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनल पराते है और मैं 12th स्टैंडर्ड अभी पास किया है और मुझे 90.4% आया है। बस, और आपका स्कूल क्या था, कॉलेज? हाँ, जयपुर यार स्कूल, CBSE। ओके, तो आपके सब्जेक्ट क्या थे मीनल? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आपने ये आपका कुछ फेवरेट सब्जेक्ट कोई था? बायोलॉजी था। बायोलॉजी पसंद था? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट नहीं पसंद था? मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा मतलब था कंफ्यूजन, बट मुझे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम जाता है उसमें मुझे बहुत। तो आपने वो प्रिपेयर किया था एग्ज़ाम के लिए, राइट? हाँ, मैंने कैसे किया, प्रिपेयर किया था फिर आपने? मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो बेसिकली ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करना पड़ता है, उसके जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स में भी और नीट में भी, तो आपको हमेशा उसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और जितना हो सके आप उतना रिवाइज कीजिए। कुछ कुछ रिएक्शन होती है, नेमिंग रिएक्शन होती है, उनको आप कहीं पे अलग सेपरेट नोटबुक बना के रखिए और उसको आप हमेशा रिवाइज करते रहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में। सो पैंडमिक की वजह से कुछ असर पड़ा आपकी पढ़ाई पर? हाँ, हमें न्यू चीज़ों से फेस मतलब न्यू चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी, जैसे ऑनलाइन लेक्चर में हमें पूरा टाइम स्क्रीन के सामने रहना पड़ा, उसकी वजह से हमारी आइज़ बहुत स्ट्रेन हो रही थी, तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, नींद भी आती थी, तो हमें कैसे फेस करना पड़ा वो चीज़, और थोड़ा योगा मेडिटेशन की वजह से भी हेल्प हुई। और कह सकते हैं कि ऑफलाइन लेक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मतलब हमें रियलाइज़ हुआ कि जो टीचर सामने होती है, हमें पढ़ाती है, हमसे क्वेश्चन पूछती है, तो मतलब वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आता है, हम फ्रेंड्स को डाउट पूछते हैं, ऐसे आगे पीछे हमारी बातें चलती है, तो वो काफ़ी अच्छा माहौल मेंटेन्ड होता है। और ऑनलाइन लेक्चर्स में मतलब हम अकेले पढ़ रहे हैं और बैठे हैं पूरे टाइम, 8 आवर्स लेक्चर, मतलब 6 आवर्स स्कूल के फिर ट्यूशन क्लास, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। पर अभी ऑफलाइन लेक्चर्स का हमें इम्पोर्टेंस समझ में आया, टीचर्स का भी इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। हाँ, तो टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, और ऑनलाइन लेक्चर्स में तो मैम ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, हम कह सकते हैं ये मैम हमारी बेस्ट फ्रेंड जैसी है, कभी भी डाउट पूछो हम मैम से मतलब कभी भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैम का नंबर है और मैम हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी होती है कभी भी। थैंक यू मिनल, बट जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं आपको तो आपने उनको बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया, तो आप बाकी लोगों को ये प्रॉब्लम टैकल करने के लिए क्या बोलना चाहेंगे? ऑनलाइन लेक्चर्स में या पैंडेमिक में जो भी ये चीज़ें हैं। देखिए, पैंडेमिक में तो सबकी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ा, पर एक चीज़ है कि परसिवरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप पढ़ो, कुछ और मत सोचो, जितना हो सके अपना बेस्ट दो, क्योंकि अगर आप अपना बेस्ट अभी नहीं दोगे तो फिर आपको बाद में रिग्रेट होगा कि यार थोड़ा सा कर लेना चाहिए था, तो वो ना हो, इसलिए अभी आप पुश करो अपने आप को, क्योंकि जो भी है आपका ही सपोर्ट है आपको, और कोई नहीं रहेगा आपके साथ, तो यही कह सकते हैं। बात है मिनल, बट जो भी आपने पढ़ाई की उसके लिए आपने बुक या नोट्स कैसे रेफ़र किए, क्या किया आपने? हाँ, जो नोट्स आप जब लेक्चर सुनते हो तब तो आप अपने नोट्स बनाइए और वो नोट्स को हमेशा रिवाइज करते रहिए, और उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ही हमें समझ में आता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आप जैसे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी दो, क्योंकि मॉक टेस्ट और सब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कभी ऐसे मत सोचो कि नहीं यार मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं नहीं सॉल्व करूँगा, तो उससे क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा, तो प्लीज़ सॉल्व क्वेश्चंस, और अभी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट में क्वेश्चंस सॉल्व करना। कुछ बच्चे होते हैं जो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपनी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं देते, तो आप उन्हें बोलना चाहोगे कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने के बाद अपनी गलतियाँ देखना, उसे सुधारना बहुत ज़रूरी होता है? हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आप सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं, जो रिपीटेटिव आपसे मिस्टेक्स हो रही है उनके लिए सेपरेट कुछ आप बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप लास्ट टाइम मतलब जब लास्ट पीरियड शुरू होगा आपका एग्ज़ाम से पहले तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ की थी कि मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं उनके लिए सेपरेट फार्मूला नोटबुक बनाई थी मैंने, और वो जब भी एग्ज़ाम से पहले मैं 15-20 मिनट में पूरा ऐसे ऊपर से रिवाइज़ करती थी, उसकी वजह से बहुत हेल्प होती थी। अप्रॉक्सीमेटली 10-20 टाइम्स तो वो ऐसे
वैसे पूरे साल में रिवाइज तो हो ही गए मेरे फॉर्मूलाज, तो उससे भी हेल्प हुई मुझे। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन कुछ रहा मिनल आपको? हाँ था, मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी सोशल मीडिया, मतलब मैं तो सोशलाइजिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी मतलब थोड़ा स्कोर कम जा रहा है तो मुझे करना ही पड़ेगा, खुद को पुश करना ही पड़ेगा, तो मैंने फिर इंस्टाग्राम बंद कर दिया। और मैंने मतलब कह सकती हूँ कि मैंने खुद से प्रण ही ले लिया था कि मैं अभी जब तक नीट नहीं होता मैं इंस्टाग्राम खोलूँगी नहीं। तो ठीक है मैम, तो आप ओवरऑल सभी को कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि आप उनको पैंडेमिक में कैसे लड़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, बेसिक जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है बेसिकली वही। आप बस हार्डवर्क कीजिए और कुछ नहीं करना है, आप बस जो भी आपको जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व कीजिए, खुद को जानिए पहचानिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए और ख़ुद को पुश कीजिए प्लीज़। और मैंने आपका फ्यूचर प्लान कोई? अभी नीट के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके बाद मुझे आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं BAMS करने के लिए बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आपने नीट के लिए कहाँ कैसे प्रिपेयर करूँ नीट के लिए? मैं रोज़ सुबह उठ के थोड़ा फ्रेश होके फिर बाद में मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ और दिन में मैं ट्राई करती हूँ कि 200 क्वेश्चंस करूँ मैं, बायोलॉजी के लिए 100 और फिर बाकी 50-50 मैं ट्राई करती हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के सॉल्व करने के लिए। तो कोई टेस्ट सीरीज़ आप यूज़ कर रहे हो फिलहाल इस टाइम? हाँ मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले रही हूँ और अग्रवाल क्लासेस भी हमारे टेस्ट ले रहे हैं न्यू पैटर्न पे जो कि जस्ट अभी अभी कुछ दिनों पहले हुआ है, तो उसकी वजह से मुझे हेल्प हो रही है काफ़ी। सो थैंक यू मिनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय।